नमस्कार दोस्तों, थोली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। तो अभी का जो समय है ना, सभी परेशान है और सभी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और मेरा काम है सॉल्यूशन लेकर आना, स्पिरिचुअलिटी के मामले में हो या फिर हीलिंग के मामले में हो या फिर टेक्निक्स के मामले में हो। मैं हमेशा वही सारी चीजें बताती हूँ जिस चीज से आपको फायदा होता है और इंस्टेंट हील हो जाते हैं। इसी प्रकार से आज का जो उपाय है ना, ये बहुत खास है। इस खास उपाय को करने के लिए व्हाइट पेपर चाहिए और इस पेपर के साथ आपको एक ब्लैक पेन चाहिए, ठीक है। जला डालो सारी चीजों को, जो चीजें आपको परेशान करती हैं उन सारी चीजों को जला डालो, और उसे जलाने के लिए ब्लैंक पेपर में इस ब्लैक पेन से आप अपने सारे दुखों को लिखो, जो दुख आपको परेशान करते हैं, जो दुख आपके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं, जो दुख आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो पर्सन हो सकता है, वो एक इंसिडेंट हो सकता है, या फिर वो एक ऐसी डिजायर हो सकती है जिसे पाने के बाद आपको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे लोगों के फियर्स होते हैं, डर होता है जो किसी को बता नहीं पाते, वो खुलकर सामने नहीं आ पाते उस डर के साथ, क्योंकि उसे डर लगता है लोगों को बताएंगे तो लोग क्या समझेंगे। लेकिन ये कागज जो है ना, ये आपको फ्रीडम देता है, पहला तो अपने सपने लिखने के लिए, अपनी खुशियां लिखने के लिए, दूसरा आपको ये स्वाधीनता देता है कि आप अपने सारे डर को इसमें लिखो। उसके लिए जिस चीज की जरूरत है, एक शांत एनवायरनमेंट। तो आपको सिर्फ ढूंढना है एक शांत एनवायरनमेंट, एक शांति वाली जगह जहां पर शांत होकर आप अपने उस डर को सोचे जिस डर को आप इस कागज में लिखेंगे, और उसे लिखने के लिए आप संख्या का निर्धारण कीजिए, 9 बार, 11 बार, 21 बार, या फिर सिर्फ 7 टाइम्स। आप जब भी इन संख्याओं में लिखते हैं तो याद रखिए, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस डर को यहाँ पर छाप रही होती है और अपने दिमाग से निकाल रही होती है कि ये अब जल रही है, दैट मीन्स ये नष्ट हो रही है। अक्सर बुरी नजर को दूर करने के लिए हम उस पर्सन के ऊपर से वार लेते हैं 7 टाइम्स, और उसके बाद उसे अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में वो जब प्रज्वलित होती है तो वो जो भी बैड एनर्जी है वो नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रयोग है धन को लेकर, ब्यूटी को लेकर, आपके डिजायर्स को लेकर, आपके ड्रीम को लेकर, और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हमने किए हैं इसी सफेद कागज में। लेकिन ये जो टेक्निक है जो आपकी बुराइयों को नष्ट करने के लिए, वही सफेद कागज, सिर्फ काले पेन की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें आपको तकलीफ देती है वो काला ही होता है, यानी वो नेगेटिव होता है, वो बिल्कुल डार्क होता है। तो इसीलिए ब्लैक पेन से आप उसे लिखिए, 7 बार लिखिए, 9 बार लिखिए, 11 बार लिखिए, या फिर 21 बार लिखिए, और लिखने के बाद इसे बर्न कर दीजिए, इसे जला दीजिए। जलाने का अर्थ होता है कि पहले दिन में ही ये जल जाएगा और आपकी मेमोरी से ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रेगुलर प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप शांति से वो सारी चीजों को भूल चुके हैं, और आप जब उन चीजों को भूल रहे हैं, यानी कि आप उस चीज को नष्ट कर दे रहे हैं जो चीज आपको तंग करती थी। तो यानी कि जब आप इस पेपर में अपनी किसी भी चीज को भुलाना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सन को अपने दिल से दूर करना चाहते हैं, या फिर उसकी यादों को दूर करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जिसे आप दोहराना नहीं चाहते हैं उसे लिखे, बार बार लिखे, 7 टाइम्स लिखे, 9, 11, 21 टाइम्स लिखे। जब तक लिखे तब तक लिखे जब तक आपके मन से वो भारी चीज निकल ना जाए, और उसके बाद इसे जला दीजिए। ये प्रैक्टिस आप सिर्फ पहले दिन ही नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस आपको जब समय मिले तब कीजिए। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, इसी समय करना है, या फिर इसी दिन करना है, बिल्कुल नहीं है। ये एक रिलीजिंग टेक्निक है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने छाप रखा है आपके दिमाग में, और वो बार 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 वो मेमोरी, वो डर आपके अंदर वो दोहरा देता है, जिस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जब आप इस पेपर पर लिखते हैं तो धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो रही है, आप उस डर से बाहर आ रहे हैं, आपकी वो जो बुराइयां थी, अगर कोई गलत आदत भी थी, वो आपसे दूर हो चुकी है। ये रेगुलर प्रैक्टिस से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो चली गई हैं, और साथ में पॉजिटिव
जो सोच है जो अब तक नहीं आ पा रही थी बाहर किसी डर के वजह से, फियर की वजह से, वो धीरे 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 नॉर्मली वो आपके दिमाग में एक हैप्पी मूड में वो डेवलप हो रही है। तो इस चीज को कीजिए और साथ में स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है, पूजा पाठ, मंत्र जाप, मेडिटेशन का भी उपयोग कीजिए। इससे आपकी जितनी भी बुराइयां है या फिर जो भी डर है, फियर है, वो सारी चीजें आपसे दूर होती हुई चली जाएगी। तो ये जो जलाने वाली टेक्निक है इसे करके देखिए और इसका प्रयोग आप उन लोगों को भी बोलिए जो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है, लेकिन शायद ये टेक्निक उनके जीवन में वरदान साबित हो जाए। यानी अपनी जो भी वो बुरी चीज को लिखिए जिस चीज से आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो दुश्मन भी हो सकता है, वो शत्रु भी हो सकता है, या फिर वो पर्सन हो सकता है, या तो वो चाइल्डहुड की कुछ ऐसी इंसिडेंट हो सकती है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। तो बस लिख डालिए और इसे जला दीजिए। जलाने के लिए आप किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं, आप कैंडल का यूज कीजिए, माचिस का यूज कीजिए, नहीं तो फिर दिए का यूज कीजिए, बस इसे जला देना। और जब जलाएंगे आप तो फिर आपको बस यही सोचना है कि आप रिलीज हो रहे हैं इन सारी यादों से, उन सारी बुराइयों से जो आपको डिस्टर्ब करती थी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।